फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आउट लिव लाइक प्रियंका। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं स्मैशबॉक्स की लिपस्टिक का रिव्यू करूँगी। स्मैशबॉक्स की जो लिक्विड लिपस्टिक्स आती हैं ये अप्रोक्सीमेट 2100 की इनका जो बड़ा साइज़ आता है, और मैंने जो परचेज़ किया था ये मिनी साइज़ था। ये जो मिनी साइज़ आता है ये कुछ इस साइज़ का होता है। इसमें 0.9 ml अप्रोक्सीमेट जो है लिपस्टिक होती है, और काफ़ी चलती है ये लिपस्टिक। इसका एक मतलब पैकेट मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने इसमें दो पैकेट इसके परचेज किए थे नायका से। और इसमें दो शेड एक साथ आते हैं, एक है बाउसी, दिस रेड शेड, एंड द अदर वन इज़ गुलाबी। गुलाबी एक न्यूड शेड है और वाउसी जो है एक ये रेड शेड है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुलाबी जो है ये कुछ इस टाइप का कलर है, आप देख सकते हैं एकदम कम्प्लीटली न्यूड पिंक है। और बाउसी जो है ब्यूटीफुल सा रेड शेड है। चलिए फ्रेंड्स, पहले लिपस्टिक को अप्लाई करते हैं। पहले मैं गुलाबी जो शेड है इसको अप्लाई करूंगी। देख सकते हैं कि ये एकदम न्यूड पिंक शेड है। अब बाउसी अप्लाई करते हैं। बाउसी जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेड कलर का शेड है। एक्चुअली देखिए, लिक्विड लिपस्टिक में इसका जो एप्लीकेटर आता है स्मैशबॉक्स का, ये एप्लीकेटर बहुत ही अच्छा होता है। और एक बार लगाने भर के लिए जो आपकी लिपस्टिक होती है, जब आप एक बार इसको ऐसे डिप करके एक बार निकालते हैं, तो ये आपकी जो लिपस्टिक इस पर होती है वो इनफ होती है आपके पूरे लिप्स पर अप्लाई करने के लिए। आपको दोबारा से इसको डिप करने की जरूरत नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, ये दोनों लिपस्टिक ही बहुत अच्छी हैं। स्मैशबॉक्स की लिपस्टिक्स बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा मैंने इसकी ड्राइवर सीट भी यूज की है, और बेब अलर्ट जो शेड है वो भी यूज़ किया हुआ है। बेब अलर्ट जो है वो एक पिंकिश न्यूड है, और ड्राइवर सीट पीची न्यूड कलर है। तो ये जो लिपस्टिक्स हैं, अगर आप मतलब अगर आप कुछ खा रहे हैं या कुछ ड्रिंक कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं या कुछ भी, तो भी ये लिपस्टिक्स आपके लिप्स पर सर्वाइव कर जाती हैं। ये इतनी जल्दी ब्लीड नहीं होती हैं, देख सकते हैं आप, ये बहुत कम ट्रांसफर होती हैं। और ऑल इन ऑल देखिए, जो बिगर साइज है वो तो काफ़ी कॉस्टली है, और ये जो स्मॉलर साइज है, ये दोनों लिपस्टिक मैंने एक साथ परचेज की थी एक पाउच में फ्रॉम नायका, लाइक दिस इस पैकेट में मिला था। और ये उस समय अप्रोक्सीमेट ये मुझे 990 रुपीज़ का मिला था। और मिनी साइजेस लेने से बेनिफिट ये रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेड्स परचेज कर सकते हैं, और बिगर साइज़ में अमाउंट तो ज़्यादा होता है, बट प्राइस वाइज भी बिगर साइज़ जो है वो काफ़ी कॉस्टली है।
सो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए. टेक केयर यू ऑल. बाय बाय.